हेलो दोस्तों, इससे पहले क्लास में हमने देखे थे कुछ फैक्ट्स जो थे प्राकृतिक आपदाओं के विषय में। आज हम देखेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं। जैसे सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत में निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? आंसर है हमारा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट सबसे अधिक प्रभावित हुआ था किससे? सुनामी से। ठीक है, कब? 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। हुद हुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट या क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट। किससे? ध्यान रखना, हुद चक्रवात से। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां अवस्थित है? सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद में वो सेंटर अवस्थित है जिससे हमें सुनामी की पूर्व सूचना मिलती है। ठीक है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अवस्थित है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अवस्थित है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्ष 1875 में इस विभाग को स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय था कोलकाता में, जिसे वर्ष 1905 में शिमला में, 1928 में पुणे में, अंततः 1944 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। दिल्ली को में इसका मुख्यालय बनाया गया था। यह भी पूछा जा सकता है कि जो मौसम विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है वो कब दिल्ली में स्थापित किया गया था? सूची एक प्राकृतिक आपदाओं और सूची दो प्रदेशों से सुमेलित कीजिएगा। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है सूची एक, सूची दो प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। चक्रवात देखिए, बाढ़ सबसे ज्यादा बाढ़ कहां आती है? बिहार। तो पहला क्वेश्चन यहां से ठीक से हो जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार। भूकंप सबसे ज्यादा कहां आते हैं? हिमालय के गिरिबाज, जो हिमालय के लगे हुए क्षेत्र हैं वहां। सूखा हमारा पड़ता है सबसे ज्यादा मध्य पूर्व में। और चक्रवात आते हैं झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। वर्तमान में बाढ़ 22 प्रभावित राज्य है। 3 केंद्रशासित प्रदेश में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, 43 बिहार में। यानी बाढ़ के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है जो स्टेशन है उसमें, और उसके बाद बिहार आता है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र हिमालय के गिरिपार क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे तथा कच्छ कारण और अंडमान निकोबार एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है।
सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात से मतलब भारत के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, कुछ पश्चिमी तट और अरब सागर में भी आते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। यानी भारत में जो चक्रवात आते हैं सबसे ज्यादा कहां पे? उड़ीसा में आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक तो कथन है और दूसरा उसका कारण है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल ही के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए क्या है, आर क्या है, आर ए की सही व्याख्या है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई, इसका कारण भूकंपों की आवृत्ति वृद्धि के साथ साथ सड़क बांध बनाने जैसी मानवीय क्रियाकलापों को बढ़ा मिला है। वहां सड़क बने हैं, बांध निर्माण हुए हैं, खनिजों के लिए उत्खनन किया गया है, जिसके कारण वहां भूस्खलन की आवृत्ति बढ़ती जा रही है लगातार। बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? नंबर एक, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बंगाल की खाड़ी में पानी के रासायन चक्रवात तो के बनने से सहायक। ठीक है, आंसर है इसका बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, देखिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहां से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु श्रीलंका तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जून से सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य तथा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिसे उड़ीसा के पश्चिमी उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात अक्टूबर दिसंबर दक्षिणी एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा बंगाल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पश्चिम तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ए आर दोनों सही है, लेकिन जो ए है कथन है वो आर है, ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमने का लगभग संपूर्ण तट को प्रभावित करते हैं। इसलिए कथन ए सही है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में स्थित है, अतः कारण आर भी सही है, किंतु एक स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है कि कारण क्या है। ठीक है, उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की या भूकंप प्रभावित होने की संभावना अधिक है। क्यों? कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय के जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। ए आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार कोयना बांध के नीचे एक भ्रंश जोन जलाशय के जल भराव के कारण निरंतर कमजोर हो रहा है, और इससे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में
अधिक भूकंप आने की संभावना बढ़ गई है। यानी वो क्षेत्र जो है आने वाले समय में वहां बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में भूकंप आएंगे। ठीक है भाई, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? उड़ीसा में। क्यों चक्रवात आते हैं? बाढ़, सूखा, तीनों प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उड़ीसा का। यहां हर तरह का की प्राकृतिक आपदा आती है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है लातूर, महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र में देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता? कर्नाटक का पठार। ठीक है, देखिए ये जोन है भूकंप के, इन्हें एक बार आप देख लीजिएगा, पूरा यहां तक का ये जोन है भूकंप का। भूकंप को कितने, भारत को कितने भूकंप जोखिम आंचलों में विभाजित, मतलब कितने हिस्सों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया भारत को, क्षेत्र दो, तीन, चार और पांच के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? भुज नंबर चार, हैदराबाद एक, श्रीनगर चार सॉरी पांच, चेन्नई दो। ए बी और डी तीनों विकल्प सुमेल नहीं है क्योंकि भुज भूकंप मंडल पांच में, हैदराबाद दो में और चेन्नई तीन में आता है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। ठीक है, पिछले दो दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जब नदी घाटी की तलहटी में गाद बढ़ जाएगी तो जो पानी है वो उसके किनारों से ऊपर होकर चलेगा, जिस कारण बाढ़ आने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रवणता क्षेत्र, मध्य बाढ़ प्रवणता क्षेत्र, निम्न बाढ़ प्रवणता, तीन क्षेत्रों में तुम्हें देखो व्यक्त किया गया है। बाढ़ प्रवणता क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कुल बाढ़ प्रवणता क्षेत्र का 48% आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है। मैग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में होती है। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम है। गौरतलब है कि 2 से 3 दिसंबर 1948 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक प्लांट में मेथिल आइसोसाइनेट नामक जहरीले गैस से हजारों 3800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं कोई भी विकल्प सही नहीं है।
सूची एक को सूची दो सुमेल के नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। बाढ़ आपदा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़, भूकंप, सूखा और सुनामी, बाढ़ सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और बिहार, पहले भी आया था क्वेश्चन, भूकंप हिमालय के क्षेत्र, सूखा पश्चिम एवं मध्य भारत और सुनामी भारत का दक्षिणी तट। समुद्री चक्रवात तूफान तोक्ते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? अरब सागर में। तोक्ते अरब सागर में उत्पन्न हुआ यह तूफान मई 2021 में गुजरात के तट से टकराया था। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? स्थानीय तापांतर। हाल के समाचारों में चर्चित ओखी क्या है? चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2017 को भारत के तट से टकराया था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।